सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है कुसुम रावत और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी सुबह के लगभग 10 बजे के करीब हो रही है। तो फ्रेंड्स, आदि दीदी ने ना घर में पूजा रखी हुई है, तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे मकान मालिक ही हैं, तो वहाँ पर उन्होंने पूजा रखी हुई है और खाना पीना भी आज उधर ही है। तो बोल रहे हैं कि थोड़ा साग सब्जी, मतलब सब्जी को कटिंग करना है, साग नहीं सब्जी कटिंग करना है, तो वहाँ पर बनने भी बैठ गया है, तो मैं भी जा रही हूँ। हस्बैंड साहब भी वहीं गए हुए हैं, तो चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बाहर में ही आज खाना पीना बन रहा है, तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे सब्जी वब्जी कटिंग हो रहा है। सब दीदी जी भी और भी आए हुए हैं और पंडित जी खाना बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो रहा है सब्जी कटिंग। हस्बैंड जी यहाँ पे कद्दू को छिला जा रहा है और यहाँ पे दीदी जी हेलो हेलो गार्गी हाय, और यहाँ पे बीन्स तोड़ा जा रहा है। प्याज को पहले पानी में रखना था, नहीं तो आंसू आएंगे। ओ इधर दूसरा यूट्यूबर भी आ गया है भाई, इधर आ गया है दूसरा। ओ पूर्वी क्या गिराया, यहाँ पे दूसरा यूट्यूबर भी आ गया है पूर्वी। यहाँ पे दीदी जी लेके आ गए हैं चाय, और अभी लाल चाय ना, और साथ में है मालपुआ और गुड़ का लड्डू और बिस्किट यहाँ पे रखा हुआ है। क्या होता है ना आसाम में ना, कटोरी में चाय दिया जाता है, और जो कांस की कटोरी होती है ना उसमें भी यहाँ चाय पी जाती है। तो अभी मैं चाय पीऊँगी। यहाँ पे हस्बैंड साफ कर रहे हैं टमाटर की कटिंग, और इतना टमाटर कटिंग हो चुका है। और अभी ना ये मिर्ची का जो ये डंठल होता है ना, ये सारा निकालना है। और यहाँ पे आलू कटिंग हो रहा है, और पूर्वी यहाँ पे प्याज व्याज साफ कर रही है, और वहाँ पे तो बन रहा है छोले। यहाँ पे दीदी जी काट रहे हैं कस्टर्ड के लिए एप्पल, और यहाँ पे ये सारे फ्रूट्स काटे जाएंगे कस्टर्ड बनाने के लिए। हाँ दीदी बोल रहे हैं खाने के लिए आ जाओ कस्टर्ड। और यहाँ पे दीदी जी मूंगफली को फ्राई कर रहे हैं, इसके साथ पापड़ मूंगफली और कड़ी पत्ता ये मिलाया जाएगा, फिर इसको सलाद के रूप में खाया जाएगा। और यहाँ पे ना हमने ये चटनी बना दी है। अभी दीदी ने आज पूजा रखा है, तो सभी लोग यहाँ पे अम्मा भी आए हुए हैं। अम्मा नहीं दिखाई देती, अम्मा भी आए हुए हैं। अम्मा हाय, आज पूजा है ना अम्मा, ये पूजा के बारे में बताइए अम्मा। ये हम का असम में जो ये अप्रैल महीना है ना, नया साल इसीलिए घर में ये पूजा करते हैं, घर का सब आदमी के लिए। अम्मा बता रहे हैं जो अप्रैल महीने में ना, अप्रैल महीने में मतलब बैसाख महीने में घर घर में मतलब पूजा करते हैं, घर की मतलब सुख शांति के लिए, है ना अम्मा? तो यही बता रहे हैं, और हर किसी के घर में किया जाता है ना।
भी थोड़ा बहुत समझ सकेंगे कि असम में मतलब किस तरह से पूजा की जाती है। तो यहाँ पे दीदी जी बना रहे हैं अभी, पापड़ तल रहे हैं ना। तो पापड़ पहले ना मूंगफली तला, फिर मूंगफली के बाद अभी पापड़ तला जा रहा है। और इसमें क्या रखा है? चावल। ये 10 लीटर का कुकर है और इसमें रखा गया है चावल। और अभी यहाँ पे प्रसाद रखा जा रहा है, पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद रखा जा रहा है। मैं यहाँ पे खा रही हूँ प्रसाद। तो अभी मैं प्रसाद लेके घर जा रही हूँ, तो थोड़ी देर में अभी हम लोग खाना खाएंगे। मैं ना प्रसाद लेके घर आ गई थी और बाहर ना जोरों शोरों की बारिश लगी हुई है, और अभी फिर दीदी बुला रही है तो जाना पड़ेगा, तो जाती हूँ फटाफट। ठंडा हो रहा है यार। तो इधर खाना पीना होने बैठ गया है। मैं उधर जा सकती हूँ? यहाँ पे बना हुआ है ये आलू गोभी गाजर सबका सब्जी, ये है दाल, ये है पनीर, और उधर चावल बना हुआ है। और ये क्या है? ये क्या है? केला का सब्जी। हाँ, यह है कॉल का सब्जी, यह है कॉल का सब्जी। खाना भी खा लिया है और काफी टेस्टी खाना बना हुआ था। और फिर अंदर लेके चलती हूँ अभी। दीदी कैसा लगा खाना? अच्छा। पूर्वी टेस्टी? तो खाना ना बहुत ही टेस्टी हो रहा था, यम्मी यम यम यम, है ना। ओ गार्गी कैसा लगा खाना? वेरी टेस्टी, है ना, टेस्टी। यहाँ पे खाया जा रहा है कस्टर्ड। टेस्टी टेस्टी, कैसा कैसा हुआ खाना? बेस्ट। कैसा लगा दीदी खाना? अच्छा। इधर देखो। कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा है। सभी को पसंद आया खाना, और मेरे को इतना अच्छा बना था ना, तीखा ना, बहुत टेस्टी हुआ। आप लोग इतना तीखा नहीं खाते हैं, मैं तो तीखा खा के तो मजा आ गया। हाँ, नहीं बहुत टेस्टी। हाँ, नहीं भूलूंगी, अपने में गम हो जाएगा ना, नहीं भूलूंगी। आप लोग सब मेरे वीडियो में हो ना, मैं आप लोगों को देखती रहूंगी। हाँ, देखती रहूंगी। हाँ, ये पूर्वी है तो। हाँ, मैं घर में आ चुकी हूँ और खाना पीना भी हो गया है, बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ था। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो एक लाइक कमेंट शेयर, एंड जो चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।